यार ये क्वेश्चंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अब कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और एक बात बताओ कि जब अगली बार मैं इस चैप्टर को रिवाइज करूँगा तो क्या ये सारे क्वेश्चंस मुझे दोबारा करने पड़ेंगे? एक बात और बताओ कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे प्रॉपर फॉर्मेट बना के करने हैं, फेयर में, रफ में कर लूँगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अगर आपके मन में भी अकाउंट्स करते टाइम यही सब क्वेश्चंस आते हैं, आप यही सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड मेथड्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो मैंने खुद ने अप्लाई की है इवन ड्यूरिंग माई सी ए, एंड इट रियली रियली वर्क्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई प्रॉमिस यू कि वीडियो के एंड तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपकी अकाउंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पहला सॉल्यूशन है आपके नोट्स। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ अकाउंट्स नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो सबसे ज़रूरी है आपके खुद के नोट्स, राइट? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे अब आप पूरी बुक तो दोबारा कर नहीं सकते, सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं पाओगे, तो उस टाइम पे फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आपके पास होने चाहिए आपके खुद के नोट्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर अकाउंट्स के नोट्स कैसे बन सकते हैं, वो तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नोट्स तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के बनते हैं। नहीं दोस्त, अकाउंट्स के नोट्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर किया, अब बुक कोई भी हो, TS से कर रहे हो, DK से कर रहे हो या NCERT से कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया, उसका एक कॉन्सेप्ट किया, कॉन्सेप्ट करने के बाद उसके क्वेश्चंस करे, राइट? जो भी बुक में क्वेश्चंस दे रखे आपने वो क्वेश्चंस करे। उसी दिन जिस दिन आपने उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, उसी दिन आपको उस कॉन्सेप्ट के अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने। अब नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जो भी बुक में लिखा हुआ है उसकी एक दो लाइन कट करके बाकी नोट्स में डाल दी। नोट्स का मतलब ये है कि जो भी आपको उस कॉन्सेप्ट में समझ में आया, जो भी आपको लगा कि इम्पॉर्टेंट है, कि मुझे ये बार बार रिवाइज करना है, उसको क्या करो, उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में लिख लो। बेशक एक स्टोरी के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में या पॉइंटर्स, जैसे आपको समझ में आए, जैसी लैंग्वेज में आपको समझ में आए, कोई चेक नहीं करने वाला वो आपके नोट्स। नोट्स के मार्क्स नहीं है, नोट्स से मार्क्स ज़रूर मिलेंगे लेकिन नोट्स के मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, राइट? तो जैसे आपको समझ में आए वैसे ही अपनी लैंग्वेज में उसके क्या करो, नोट्स बना लो। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉन्सेप्ट किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? आपने वो कॉन्सेप्ट किया, उसके क्वेश्चंस करे अपनी बुक से। तो जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आपने ख़त्म किया, उस कॉन्सेप्ट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगा, जो भी आपको लगा कि आपके नोट्स का पार्ट बनना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में उसको क्या करो, अपने नोट्स में लिख लो। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दिया है तो पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट देगी, मीनिंग खत्म हो गया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि भाई उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे, कि सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है, एडिशनल कैपिटल का क्या होगा, फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे अपने नोट्स में। थर्ड आप क्या लिख लो कि भाई उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब ये कौन से अकाउंट्स में डेबिट होगा और कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है? तो आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया, इसके बाद आप क्या करो, एक दो एग्जांपल्स लिख लो, कौन से एग्जांपल्स जिसमें ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। होते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, कि भाई आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया, वो एग्जांपल्स लिख लो, बस हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म, राइट? तो नोट्स बनाने में आप जितनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो ना, उतनी क्रिएटिविटी यूज़ करो। चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, जितनी क्रिएटिविटी यूज़ करोगे, जितने अच्छे नोट्स बना सकते हो उतने अच्छे नोट्स बनाओ, एंड में आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। ट्रस्ट मी, जब भी आपको उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा ना, आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर देखोगे, जहाँ आपने नोट्स बनाया, कॉन्सेप्ट पढ़ा, एग्जाम्पल देखा और कॉन्सेप्ट ख़त्म। ये एक्चुअली में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ट्रस्ट मी। अब बहुत से मेरे दोस्तों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई कोचिंग वाले नोट्स दे तो रहे हैं और मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, उससे ले लूँगा ना, अपने नोट्स क्यों बनाऊँ, क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ। तो दोस्तों प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हुई है इसके ऊपर,
एंड ये प्रूव हुआ है कि जब आप खुद से जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, आपको ज़्यादा टाइम तक वो याद रहता है, इट एक्चुअली इम्प्रूव्स योर रिटेंशन पावर। और हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एक स्टूडेंट को बहुत ईजी लगे, वही सेम कॉन्सेप्ट किसी और को समझ में ना आए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जितने भी टॉपर से बात करोगे ना, 9800 वाले जो बच्चे होते हैं, उन सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, उन सब ने सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, राइट? तो ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप ये टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। स्टार्टिंग में अगर आप ये टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, एंड में आपको इतने रिटर्न्स मिलने वाले ना, इसके आप सोच नहीं सकते। सो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि देखो, अब ये तो सच है कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो अब कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हम ये सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते, राइट? तो अब इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिसको मैं कहता हूँ स्टार टेक्निक, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, हम इसमें क्या करेंगे कि आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, अब हम उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। पहली कैटेगरी, नो स्टार एंड टिक मार्क। अब ये कौन से क्वेश्चंस हैं? अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपसे इजीली सॉल्व हो गए। मतलब आपने सिंपली कॉन्सेप्ट रीड किया, उसको समझा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट? तो इसको आपको सिर्फ एक ही बार करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिर्फ एक ही बार करना है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट तो आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज़ करोगे ना, और कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने से ये क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है हमारा 1-स्टार क्वेश्चंस। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए। मतलब आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ठीक है? तो उस क्वेश्चन के आगे आपको एक छोटा सा स्टार बना लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आया उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, या किसी भी रीज़न से आपका आंसर नहीं आया, उस कॉन्सेप्ट को, उस पॉइंट को आप अपने नोट्स का पार्ट बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जैसे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के हमने नोट्स बनाए थे, अब मान लो कि आगे जाके एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपने पहले नहीं की, जो आपको याद नहीं आई, क्या करो, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप अपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के नोट्स को रिवाइज़ करोगे, तो वो एडजस्टमेंट भी रिवाइज़ हो जाएगी, वो पॉइंट रिवाइज़ हो जाएगा, तो जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करोगे, वो क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, राइट? सो अब हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है 2-स्टार क्वेश्चंस। अब देखो, फर्स्ट टाइम तो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, एक बार तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, राइट? सो फर्स्ट टाइम जब आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा, कुछ क्वेश्चंस को 9-स्टार और कुछ क्वेश्चंस को 1-स्टार। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो गए होंगे, तो आपने उन पे टिक लगा दिया होगा, और कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आपको प्रॉब्लम आई थी, आपने उन पे 1-स्टार मार्क किया था, और जिसके आपने नोट्स भी बना लिए थे, करेक्ट है? अब क्या होगा, जब सेकेंड टाइम आप उस चैप्टर को रिवाइज़ करोगे, तो आपको क्या करना है, फटाफट से अपने नोट्स में से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है। जो आपने अपने नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, उनको सबको क्या कर लोगे, रिवाइज़ कर लोगे, और उसके बाद आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 1-स्टार वाले। जिन क्वेश्चंस के आगे आपने 1-स्टार मार्क किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिंपली कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब ईजिली सॉल्व हो रहे होंगे, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है जो अब आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, उन क्वेश्चंस के आगे अब आपको लगा देना है टिक मार्क। क्यों? क्योंकि अब सिंपली कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो अब आपको उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो दोबारा आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे,
ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं हुए, दोबारा सेकंड टाइम भी सॉल्व नहीं हुए, तो उन क्वेश्चंस को अपनी रिवीजन का पार्ट बना लो। उन क्वेश्चंस के आगे 2 स्टार मार्क कर लो और सोच लो कि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस रिवाइज करने ही हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं हुए। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस बचेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, राइट? तो इस मेथड से आपको क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस रिवाइज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपने सारी एडजस्टमेंट्स तो कॉन्सेप्ट्स में लिख ली होंगी जो भी आपको मुश्किल लगती होंगी, राइट? कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, कुछ जो 2 स्टार वाले क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज किया और चैप्टर डन। बात समझ रहे हो? तो ये पावर है आपके नोट्स की, जितने अच्छे नोट्स उतने कम क्वेश्चंस। सो अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हमें हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, या हम क्वेश्चंस को रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आपको करना क्या है कि आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सारे ही क्वेश्चंस प्रॉपर फॉर्मेट बना के कर रहे हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सारे ही क्वेश्चंस रफ में कर रहे हो, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने वैसे प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, राइट? तो किसी भी टॉपिक के अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो 1-2 क्वेश्चंस प्रॉपर फॉर्मेट में करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, तो 1-2 क्वेश्चंस आप प्रॉपर बिल्कुल फॉर्मेट बना के सॉल्व करो, ठीक है? बाकी आप रफली सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि भाई आंसर कैसे प्रेजेंट करना है आपको ये भी पता होगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, करेक्ट? अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी मेहनत कौन करता है कि पहले खुद के नोट्स बनाओ, फिर क्यों हर क्वेश्चन की मार्किंग करो। तो मैं ना आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि ये सब मेथड्स, ये सब टेक्निक्स, यही सब तो टॉपर्स फॉलो करते हैं। देखो बोर्ड्स में सब पढ़ते हैं, राइट? सब मेहनत करते हैं, पूरा सिलेबस सब कंप्लीट करते हैं, लेकिन 90 और 100 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का होता है। जिसके 100 आते हैं वो कोई दूसरी बुक से थोड़ी पढ़ रहा है, वो कोई और कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ रहा है, यही सेम चीज़ें पढ़ रहा है लेकिन अलग तरीके से पढ़ रहा है, राइट? सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है और क्यों हर क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ के साथ, ऐसे ही वैल्यूएबल कॉन्टेंट पहले भी डालता था, आगे भी डालता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।